जब तक हमारे मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, जब तक हमारा इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम जी जान से तन मन और धन और गन के साथ नहीं खड़े रहेंगे। तो देखिए, अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तमाम जो प्रतियां हैं वो यहां पर जलाई जा रही हैं। कब खत्म होगा कि मूछ रख ली घोड़ी पे नहीं बैठने देंगे, या फिर ये थोड़ा हम उभर रहे हैं तो इनको दबाओ, पहले गुलाम बना के रखा फिर गुलाम बना के रखो, तो अब ऐसा नहीं चलेगा। अब जो हमारी जाति के लोग हैं वो सक्षम हो चुके हैं, अब हम आवाज़ उठाएंगे और अपने भाई मेघवाल को इंसाफ दिलाएंगे। जब तक हमें हमारे भाई मेघवाल को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम यही डटकर खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, भूखे प्यासे हैं ही आंदोलन करेंगे। बोल रहे हैं कि हमें ज्ञापन दे दीजिए, हम बुझवा देंगे। अगर हमें ये नहीं पता कौन अधिकारी है, कौन आया है, सब सिविल में है, किसको अपनी पोस्ट नहीं बता रहा है, कोई हमसे बात नहीं कर रहा है। अभी कुछ देर पहले कह रहे थे यहाँ कोई नहीं है। हाँ, जब हमने पहले पूछा था तो कैसे बोलते थे यहाँ कोई अधिकारी नहीं रहता, मगर अब 10 मिनट में यहाँ अधिकारी भी आ गए और ये नहीं बता रहे अधिकारी कि हम कौन है, हमारी क्या पोस्ट है, हम क्या आपको न्याय दे सकते हैं, कब तक न्याय दिलवा सकते हैं, ऐसा कोई बयान हमारे सामने अभी तक नहीं आया। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। इस वक्त राजस्थान हाउस पर मौजूद हूं मैं और मेरे पीछे जो तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, ये युवा शक्ति दल एक प्रोटेस्ट करने यहां पहुंचा था और अभी कुछ देर पहले जो युवा शक्ति दल है उसने यहां पर ताला लगा दिया है और जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनकी झड़प अभी उन सुरक्षा कर्मियों से चल रही है और उसकी ताज़ा तस्वीरें आप यहाँ से देख रहे हैं और हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे। सर एक मिनट, क्या क्या ताला लगा दिया है, क्या है मामला पूरा? मामला ये है कि हमने कहा कि हमारे अधिकारी यहाँ नहीं है, हम तो सिक्योरिटी है, अधिकारी बैठे हैं, ये अधिकारी बैठा है बीकानेर हाउस, वहाँ जाओ, वहाँ पूरा प्रशासन वहाँ है। ये आप यहाँ किस पद पर हैं? आप किस पद पर हैं? मैं एक हेड कांस्टेबल हूँ। अच्छा, तो क्या आपने ये बताया नहीं कि यहाँ लोग कुछ पहले धरने बैठे? किसको बताएं, कोई है नहीं अधिकारी, हम तो अपनी सिक्योरिटी अवगत नहीं कराया। अधिकारी तो हम तो बता रहे हैं ना, बीकानेर हाउस बैठते हैं अधिकारी या नहीं। अच्छा। ये तो टूट रहा है पूरा। इस पर तो चस्पा दिया, आप जाके देखो चस्पा दिया कि इसमें कोई नहीं रहेगा। अच्छा, खंडित हो चुकी है, दोबारा से निर्माण होगा इसका। इतनी कहते मेरा हाथ नहीं खींच लेते, ये मैं बोल रही क्या गलती? हमारी क्या गलती बताओ, हम भी क्या कहें? अब ताला लगा दिया है, क्या उम्मीद है? अब ये ताला तो इनसे बात हुई है कुछ आपकी? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई है। नहीं हुई? नहीं। अब ये तो अपने चलिए, यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है फिलहाल वो गेट के अंदर है और बंद है। कुछ लोग जो यहाँ पर है जो प्रोटेस्ट में आए हुए हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या क्या कहेंगे भाई आप? यहाँ पहुँचे हैं, ताला लगा दिया है, क्या? हम जब तक हमारी मांगे पूरे नहीं की जाती, जब तक हम हर उस राजस्थान के वर्ग को जो हम पे उत्पीड़न करेगा दलितों पर, हम उसके हर एक कार्यालय में ताला लगाने का काम करेंगे। आप तो दाढ़ी मूंछ दोनों रखे हुए हो और राजस्थान हाउस के बाहर खड़े हो, जितेंद्र मेघवाल की हत्या हो गई थी। भैया गरीब आदमी को तो कोई भी तो मेयर को आके दिखाए, मैं अपनी मूंछें घुमा रहा हूँ, कोई मेयर पे आके हमला करे मैं बताता हूँ उसको। गरीब आदमी को तो सब परेशान करते हैं। अच्छा, आज यहाँ आए हैं, ताला लगा दिया, दिक्कत हुई, बात हुई इनसे कुछ? बात क्या बोल रहे हैं कि इसमें कोई नहीं रहता, जब यहाँ कोई नहीं रहता तो हमने ताला लगा दिया। हमने एमएलए की गाड़ी आई थी यहाँ पर शायद और वो वापस चली गई आपको देखकर। हाँ तो आए ना, हमसे बातचीत करे वो, हम भी देखे भी तो और क्या, उससे बना है ना एमएलए भी तो हमारे उससे बना है ना वोट से। हमारे जब हमारे हक अधिकार की बात आती है तो एमएलए जैसे लोग ऐसे नालायक ऐसे गधे, मैं ऐसे बोलना चाहता नहीं पर मैं बोल देता हूँ, ऐसे नालायक गधे जैसे लोग उतर के ये भी नहीं देखा कि हाँ कि हमारे जो हमें आज जो एसी में बैठाया है इन लोगों ने, गरीब तबके के लोगों ने, आज जो इनके बीच में आके इन्हों से ये भी दुख दर्द भी शेयर कर सके कि हाँ आप क्यों बैठे हो, क्यों बैठे हो। तो अब क्या स्थिति है, कब तक मतलब यही हालात रहे? हम जब तक हमारे मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, जब तक हमारा इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम जी जान से तन मन और धन और गन के साथ नहीं खड़े रहेंगे। आप भी वहाँ, आप बताइए आप क्या कहेंगे? अब जी देखो, हमारे भाई मेघवाल जी को इंसाफ मिलना चाहिए। ये जातिवाद कब खत्म होगा कि अब मूछ रख ली घोड़ी पे नहीं बैठने देंगे,
या फिर ये थोड़ा हम उभर रहे हैं तो इनको दबाओ, पहले गुलाम बना के रखा फिर गुलाम बना के रखो, तो अब ऐसा नहीं चलेगा। अब जो हमारी जाति के लोग हैं वो सक्षम हो चुके हैं, अब हम आवाज़ उठाएंगे और अपने भाई मेघवाल को इंसाफ दिलाएंगे। जब तक हमें हमारे भाई मेघवाल को इंसाफ नहीं मिलेगा हम यही डटकर खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, भूखे पैसे हैं ही आंदोलन करेंगे। सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी और नहीं तो हम मजबूर कर देंगे। तो यहाँ तमाम जो युवा शक्ति दल के कार्यकर्ता आए हैं उनका कहना है कि हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं की जाएंगी हम यहीं पर डटे रहेंगे। और यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एक संगठन और यहाँ पर एक संगठन के लोग और मिले हैं जो भीमसेना है, युवा शक्ति दल के साथ भीमसेना के कुछ कार्यकर्ता, क्या 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 लग रहा है आपको आज? ये तो कह रहे हैं कि अंदर कोई है नहीं, कोई अधिकारी है नहीं, ये इस तरह से झूठ बोल रहे हैं। राजस्थान हाउस जो बना हुआ है तो राजस्थान में जो यहाँ के कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं यहाँ उपस्थित हैं, ये हमें झूठ बोलकर गुमराह किया जा रहा है कि राजस्थान में कोई नहीं है, ये बीकानेर भवन पे जाए, बीकानेर भवन पे जाए, ये हमें गुमराह कर रहे हैं। तो कुछ यहाँ पर देखिए कुछ ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में देखिए अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनकी तमाम जो प्रतियां हैं वो यहाँ पर जलाई जा रही हैं। और जो देखिए ये और ये तस्वीर जो है वो बिल्कुल राजस्थान हाउस के बाहर की तस्वीरें हैं। और ये देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इन जो अशोक गहलोत हैं उनकी तमाम जो प्रतियां हैं वो यहां पर जलाई जा रही हैं। और फिलहाल आप कहां से आए हैं? बिल्कुल मैं दिल्ली से आया हूं। जिस तरीके से हमारे भाई यहां पर हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है, ये हमें हमारा प्रोटेस्ट करने का राइट है और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे भाई को न्याय दिया जाए। जिस तरीके से आज राजस्थान के अंदर दिन ब दिन हालात, बिल्कुल मैं प्रोटेस्ट में हूँ और इस तरीके से देख सकते हैं हमारे भाई भी, जित्तू भाई और गुप्पी भाई भी आए प्रोटेस्ट के अंदर। हमारा सिर्फ यही मांग है कि जो हमारा दलित भाई है उसको जो है न्याय मिलना चाहिए। न्याय रखने के ऊपर मार दिया गया, ये आ रहा है वहाँ से निकल कर। तो यही तो जास्ती हर देश पूरे भारत के अंदर यही हो रहा है दलित भाइयों के साथ। ये उत्पीड़न जो है राजस्थान से नहीं हो रहा, ये पूरे उत्तर प्रदेश हर जगह हो रहा है। और हमारी मांग ये है जिस तरीके राजस्थान से कुछ घटनाएं ज्यादा निकल कर आती है इस तरह की, क्या लगता है आपको कि राजस्थान का कानून जो है वो बिल्कुल अलग है? बिल्कुल, इस तरीके से गहलोत सरकार को सोचना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से हमारे दलित भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, उसको न्याय देने का काम करना चाहिए। और देश के अंदर जो आज हालात पैदा कर दिए इन लोगों ने, जो दलित भाई हैं चाहे मुस्लिम हो उनके साथ ज्यादती होती है, राय दून उनको मार दिया जाता है, उनको कपड़े पहनने पर उनकी बरात नहीं निकालने देते। मतलब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बिल्कुल मौन है, कोई बयान नहीं आया अभी इस घटना पर उनका। राहुल गांधी प्रियंका गांधी राजनीति करना बंद करें, उनको राजनीति करनी है उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस के अंदर जाकर, लेकिन राजनीति यहाँ राजस्थान के अंदर कोई वारदात हो जाती है उस पर चुप्पी काट दें, क्योंकि उनकी सरकार यहाँ पर है। ये दोहरी मापदंड उपयोग कर रहे हैं भारत सरकार, जो आज हमारे देश के अंदर सरकार चल रही है उस वो जो है दलितों के बारे में भी सोच रही है, सारे लोगों के बारे में सोच रही है, लेकिन जो राजस्थान के अंदर सरकार है कांग्रेस की वो हर जगह से अब खत्म हो जाएगी। आपने देख लिया 5 स्टेट के अंदर क्या बुरा हाल हुआ है, अब राजस्थान से अंदर के अंदर भी इनका पुलिंदा बनने वाला है, एक स्टेट में भी इनकी सरकार नहीं रहेगी। इनसे अच्छा काम आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है जो हर स्टेट में प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन ये एक नेशनल पार्टी होने के बावजूद भी आज देश के अंदर दो उसके अंदर स्टेट के अंदर रह गई है, लेकिन आने वाले वक्त में एक स्टेट में नहीं रहेगी अगर इस तरीके से इनका चाल चल रहा। तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ लोग, अब मुझे लग रहा है कि कुछ लोग निकल कर आए हैं जो कि यहाँ आप पूछो उनसे क्यों लगाया, ये वो इसे तुम्हें दिखता नहीं है, ये क्या हम पागल हैं हम, यहाँ ये अब दिखता नहीं आपको कि हमारा भाई की हत्या हुई है? ठीक है, मानता हूँ आपकी बात, लेकिन मुझे आप दीजिए सही ना विज्ञापन। हाँ तो हम आपको किस बेस पे ज्ञापन देंगे, आप ये बताइए कि अगर मांग नहीं होगी तो आप आश्वासन दें हमें। सर ये राजस्थान सरकार की निष्क्रियता को नहीं दर्शाता कि आपको इतना बड़ा मामला पता नहीं है? प्लीज प्लीज मेरी आप रिक्वेस्ट है, मैं कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। क्या बात हुई अभी? ये बोल रहे हैं कि हमें ज्ञापन दे दीजिए, हम भुजवा देंगे। अच्छा। मगर हमें ये नहीं पता कौन अधिकारी है, कौन आया है, सब सिविल में है, किसको अपनी पोस्ट नहीं बता रहा है, कोई हमसे बात नहीं कर रहा है। अभी कुछ देर पहले कह रहे थे यहाँ कोई नहीं है। हाँ, जब हमने पहले पूछा था तो कैसे बोलते थे यहाँ कोई अधिकारी नहीं रहता, मगर अब 10 मिनट में यहाँ अधिकारी भी आ गए और ये नहीं बता रहे अधिकारी कि हम कौन है, हमारी क्या पोस्ट है, हम क्या आपको न्याय दे सकते हैं, कब तक न्याय दिलवा सकते हैं, ऐसा कोई बयान हमारे सामने अभी तक नहीं आया। तब तक हमको ऐसा बयान नहीं मिलेगा, कोई संबंधित अधिकारी नहीं आएगा, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो जाहिर तौर पर
युवा शक्ति दल के कार्यकर्ताओं का गुस्सा वाजिब है और यहाँ पर उनकी मांग यही है कि जब तक कोई अधिकारी यहाँ पर उनकी मांगों को लेकर उन्हें संतुष्ट नहीं करेगा, उनका प्रोटेस्ट ऐसे ही जारी रहेगा। दिल्ली के राजस्थान हाउस से कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।